इंटरेस्ट से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप महीने का आराम से $1,000 से लेकर $1,500 तक की अर्निंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की भी अर्निंग आप कर सकते हैं। इन 5 स्टेप के अंदर नंबर 3 स्टेप जो है, अगर आप उसको मिस करेंगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेप 3 भी देखना जरूरी है। तो आपने कंप्लीट वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। स्टेप 1 ये है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के मेथड ट्राई कर करके थक गए हैं तो आप एक बार इस मेथड को फॉलो करके देख लें। मैं 100% कह सकता हूँ कि आप वीडियो को देखने के बाद आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको बाकी के 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक आपने लाजमी करना है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और 7 घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि इस तरह मनी मेकिंग के ईजी आइडियाज़ आपको मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 है कि आपने आ जाना है पिंटरेस्ट के ऊपर, और पिंटरेस्ट के ऊपर आकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अब अकाउंट आपने एक निच बेस का अकाउंट क्रिएट करना है। आपने कोई सिंपल सा अकाउंट क्रिएट नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर रहकर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब उसके लिए जो बेस्ट कैटेगरी है, जो कि पिंटरेस्ट के अंदर जो ज़्यादातर ऑडियंस वो है, वो लेडीज़ की है। आपने लेडीज़ प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और लेडीज़ प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने निच चूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर पिंस वगैरह अपलोड करनी है। ठीक है, और उसके साथ आपने एक अफिलिएट अकाउंट को भी आपने ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपने प्रोडक्ट को उठाना है और उसकी पिन क्रिएट करके आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो निच सेलेक्ट करने के बाद आपने एक लेडीज़ रिलेटेड आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और उस प्रोडक्ट को आपने चूज़ करना है। ठीक है, जब आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है उसके बाद आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। नंबर 3 स्टेप यह कि अगर आप यह गलती करेंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। अब वो गलती क्या है कि आपने रेगुलर होकर कंसिस्टेंसी के साथ आपने यहाँ पर पिंस वगैरह अपलोड करनी है। ठीक है, डेली के कम से कम आपने 3 पिंस अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपने रेगुलर रहना है, तब जाकर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबर 4 स्टेप है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जो कि लेडीज़ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको आपने फाइंड करना है। अब उसके लिए आपने आ जाना है amazon.com के ऊपर। तो मैं आ चुका हूँ amazon.com के ऊपर, और यहाँ पर आपने जो लेडीज़ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसकी कैटेगरी के अंदर आपने रहकर यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो गर्ल्स की हैं उनको आपने यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी शो हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपके जहन में कोई भी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर मतलब लेडीज़ यूज़ करती हैं, उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गर्ल्स, और उसके बाद मैं लिखता हूँ गर्ल्स शूज़। ठीक है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं गर्ल्स शूज़ मैंने लिखकर यहाँ पर सर्च किए, तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे गर्ल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे, जो गर्ल्स के शूज़ होते हैं। अब ये शूज़ जो है ना, आपको पिंटरेस्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट मिलेंगे जो कि इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करके अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट के ऊपर आ जाता हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं लिख कर सर्च करता हूँ गर्ल्स, और उसके बाद शूज़ लिख कर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे अकाउंट्स भी आ जाएंगे, और इन अकाउंट को आप जो है ना चेक करके आप यहां से आइडिया ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने गर्ल्स शूज़ लिखा, तो यहां पर आपके सामने काफ़ी सारी पिंस शो हो रही हैं। अब ये देख सकते हैं ये अमेज़ॉन के ऊपर भी अवेलेबल हैं, और इनके खुद के भी एक ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। ठीक है, तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, इसके लिए यहाँ पर आप जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करें, और आपने पिंस वगैरह अपलोड करके आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह के जो शूज़ वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक अकाउंट को ओपन करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अकाउंट्स के ऊपर ऑडियंस कितनी आती है और व्यूज़ कितने आते हैं, उस हिसाब से भी आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक डायरेक्ट इन्होंने एक एड से लगाया हुआ है। तो यहां पर हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से यहां पर आपने काम करना है। तो यहां पर मैंने एक अकाउंट को ओपन किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिलियन प्लस मंथली व्यूज़ आए हैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ के अंदर। और यहाँ पर आप इस अकाउंट के फॉलोवर्स भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रमोट करते हैं। अब ज़्यादातर यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि गर्ल्स के रिलेटेड यहाँ पर पिंस वगैरह अपलोड की गई हैं, और इनकी अलग से मेरे ख्याल से कोई साइट है जिस पर ये ट्रैफिक लेकर जाते हैं, और वहाँ से इन प्रोडक्ट को सेल करके ये अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और आपने रेगुलर होकर पिंस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपने पिन किस तरह क्रिएट करनी है, आपने यहाँ से सबसे पहले प्रोडक्ट को आपने चूज़ करना है। तो यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं जो कि हमें ज़रा अच्छी लगे, तो आपने अच्छी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर उसके बाद आपने प्रमोट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो किड्स की प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप किसी भी तरह के गर्ल्स के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ,
और यहाँ से हम इसकी इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। तो आपने जस्ट इमेजेस को डाउनलोड करना है और इसको आपने पिन के अंदर कन्वर्ट करने और फिर आपने जॉनसन अपलोड करना है। अब पिन किस तरह क्रिएट करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो आपने जस्ट टैप करके रखना है और आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप लैपटॉप के ऊपर हैं तो आपने सेव इमेज के ऊपर क्लिक करना है और आपकी इमेज यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो अब इमेज हमारी सेव हो चुकी है और दोबारा चले जाता हूँ कैनवा के ऊपर और यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है पिंट्रस्ट। और पिंट्रस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा पिंट्रस्ट पिन ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स वगैरह भी मिलेंगे, आप टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ब्लैंक चूज़ करके आप पिन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पिन्स वगैरह मिल जाएंगी, तो आप इन पिन का भी यूज़ कर सकते हैं या आप ब्लैंक चूज़ करके आप खुद जॉनसन अपनी एक पिन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पिन को ओपन किया और यहाँ पर मैं जो इमेज मैंने डाउनलोड की है उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसको हम पिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इमेज को भी। तो मैंने यहाँ पर इमेज को अपलोड कर दी और यहाँ पर आपने इस तरीके से इमेज लगा देनी, इसको आपने अच्छी तरीके से रिसाइज वगैरह कर देना है। ठीक है, तो अच्छे से आपने पिन को डिज़ाइन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट वगैरह भी लगा देना है ताकि यूज़र को अच्छा लगे ज़रा दिखने में। और जो एलिमेंट्स वगैरह हैं वो आपने यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई अच्छा सा हमें एलिमेंट मिल जाए जो कि हमारी पिन ज़रा खूबसूरत नज़र आए। तो आप दूसरी पिन से भी आइडिया वगैरह ले सकते हैं, जो कि आपने जब पिंट्रेस्ट पर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी पिन वगैरह मिल जाएंगी, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा यूज़र क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जॉनसन है बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं और साथ में जो एलिमेंट्स वगैरह वो आप लगा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर इमेज वगैरह लगा देने या आपने कोई भी एलिमेंट्स वगैरह साथ में लगा देने तो जिससे आपकी पिन ज़रा देखने में अच्छी नज़र आएगी। तो मैंने सर्च किया फ्लावर्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ग्राफिक के अंदर आ जाना और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आपने इसको इनको लगा देना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ इस तरीके से, तो इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि ज़रा दिखने में अच्छा नज़र आए। तो इस तरीके से आपने बेसिक सी डिज़ाइनिंग करनी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो अब ये अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपने जो सा ना बाकी कोनों में भी लगा सकते हैं, बाकी जगहों पर भी लगा सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत होगी, आपने डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ी सी अच्छी करनी है ताकि यूज़र को इमेज अच्छी लगे और वो आपके इमेज के ऊपर क्लिक करें। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स लगा दिए, इसके अलावा अगर आप और कोई लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा मुझे नज़र आ जाए, तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे इस कोने में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने फिर आपने साथ में टेक्स्ट वगैरह भी लगा देना है कि ये कौन सा शूज़ है, या आप विदाउट टेक्स्ट भी आप इसको सेव करके अपलोड कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की थी यहाँ से इसकी इमेज डाउनलोड की है, तो यहाँ पर इसका यहाँ से इसका मैं टैक्स वगैरह यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर इमेज के ऊपर लगाऊंगा। तो यहाँ पर टैक्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पर टैक्स वगैरह मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना, तरीके से यहाँ पर ये टैक्स भी आ चुका है। ठीक है ना, तो आपने और अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग करनी ताकि ज़रा दिखने में अच्छा नज़र आए। तो यहाँ से इसके मैं फ़ॉन्ट को भी चेंज कर देता हूँ, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा। तो मैं आपके सामने ही डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्री के अंदर आप आसानी के साथ इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी इमेज रेडी हो चुकी है, उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करके आपने अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड करना है। अब इस तरह से आपने यहाँ पर हमारी पिन डाउनलोड हो चुकी है, उसके बाद आपने अपने अकाउंट के ऊपर आना है और आपने यहाँ पर पिन को अपलोड करना है। ठीक है, और बस आपने इस तरीके से वर्क करना है, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही ईजी और सिंपल काम मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद यहाँ पर आपने पिन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड करना है, ऊपर टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और यहाँ पर आपने लिंक वगैरह ऐड करना है। ठीक है, और लिंक आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट की होगी उसका एफिलिएट लिंक आपने यहाँ से निकालना है और उसको आपने ऐड कर देना है। एक दूसरा आप यहाँ पर लैंडिंग पेज का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं फ्री के अंदर भी, या आप अपने एक ब्लॉगर के ऊपर एक वेबसाइट बनाए, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और उस वेबसाइट का आपने या आर्टिकल का लिंक आपने यहाँ पर अपने पिंट्रेस्ट अकाउंट के ऊपर आपने दे देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको पब्लिश कर देना है। पर फाइव स्टेप ये कि आपने डेली की कम से कम 3 पिन्स अपलोड करनी है, 3 से 5 पिन्स आपने डेली अपलोड करनी है और ये आपने इस मेथड के ऊपर रेगुलर रहकर तकरीबन 2 महीने आपने वर्क करना है। 2 महीने के बाद आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और अगर आप एक प्रोडक्ट भी यहाँ पर सेल करवाते हैं अमेजोन के ऊपर तो आपको एक अच्छा कमीशन मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, मोबाइल के ऊपर आप आसानी के साथ इस मेथड के ऊपर वर्क करके काम कर सकते हैं।
सकें। तो मैंने एक ईजी आसान मेथड आपसे शेयर किया है, आप इस मेथड के ऊपर वर्क करें, आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कि मैंने आपसे शेयर किया, या कहीं से भी आप जौन सी मर्जी वीडियो देख लें, कि आप किसी भी मेथड से आप फर्स्ट डे से अर्निंग नहीं कर सकते, आपको रेगुलर रहकर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो मैं आपके लिए इस तरह के ईजी मेथड लेकर आते रहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो वीडियो को भी आपने लाइक कर देना, अगर आपको कोई बात समझ नहीं तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।